अब इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म 600 ईस्वी में आया था, इसलिए अब हम जो समझाते हुए आ रहे हैं वो 600 ईस्वी को हम पार कर गए हैं। इतिहास में हमने राजपूतों का जो इतिहास है उसको बता दिया है, और इसके बाद से हम दिल्ली सल्तनत पे जाएंगे। तो अब इतिहास के बाद में जो इस्लाम धर्म 600 ईस्वी में आया था, इसलिए अब हम इस्लाम धर्म को कवर करेंगे, उसके साथ में इस्लामिक जो आक्रमण है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद से फिर हम सीधी दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस्लाम धर्म के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमको एक सिचुएशन को समझना यह है साथियों कि इस्लाम धर्म जब पैदा हुआ उसके पहले दुनिया में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और ख़ासतौर से हमारा जो ब्राह्मणवादी दर्शन था ये पूरी तरीके से वजूद में आ चुका था। इस्लाम धर्म जब पैदा हुआ उसके पहले जो अरब देश थे, अरब देशों के आजू बाजू ईसाई धर्म और यहूदी धर्म बहुत सारे राजाओं में, बहुत सारे शासकों के पास वजूद में था। तो जो मोहम्मद पैगंबर हैं वो उनका जो जीवनी है उसके आधार पे समझ में आता है कि ये सारे धर्मों के वो टच में थे, और उन्होंने सारे धर्मों को बारे में चर्चा की, समझा और उसकी थ्योरियों को समझा, और उसके बाद से फिर इस्लाम की धर्म की थ्योरी को उन्होंने पैदा किया। तो साथियों उनको ये समझना है। दूसरा चीज़ ये समझना है कि धर्म के अंदर, सभी धर्मों के अंदर एक ही तरीके की फिलॉसफी है। क्या एक ही तरीके की फिलॉसफी है? कि एक तीसरी शक्ति का हर धर्म में ईजाद है, तीसरी शक्ति है, और तीसरी शक्ति दिखती नहीं है। भारतीय दर्शन के अंदर भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, देवता हैं, इस तरीके की तीसरी शक्ति है जो दिखते नहीं हैं, मगर उनके लिए करते हैं। हमारे यहाँ स्वर्ग नरक है तो हम स्वर्ग नरक की परिकल्पना करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें भारतीय धर्म में समझा चुका हूँ। उसी तरीके से जो ईसाई दर्शन है, यहूदी धर्म है, पारसी दर्शन है, उनके अंदर भी इसी तरीके की जो है फिलॉसफी है कि कोई एक तीसरी शक्ति है जो तीसरी शक्ति इस दुनिया को चला रही है, और पूरी तरीके से इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। पहली बात ये समझना है। दूसरी बात ये समझना है कि जितने भी धर्म हैं ये राजाओं की राजसत्ता और राजाओं की जो व्यवस्था है उसको सहमति देते हैं। मतलब इस तरीके से समझना है कि एक धर्म की राजनीतिक सत्ता भी है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय दर्शन के अंदर जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं, ये हिंदू धर्म में राजाओं का जो ब्राह्मणवादी दर्शन में जो राजाओं की या वेदों में उपनिषदों में जो मनुस्मृति है, ये राजा की व्यवस्था धर्म से पैदा हुई। धर्म के साथ राज व्यवस्था है, और उस राज व्यवस्था का पूरा एक जो सिस्टम है, शेड्यूल है, या जो सारा पद्धति है वो धर्म से निकली हुई है, और इसके धर्म के धर्म गुरु इस सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि राजा क्या करेगा, किस तरीके से होगा। तो हिंदू धर्म का साम्राज्य, धर्म का साम्राज्य, धर्म की राज व्यवस्था, इस तरीके से जो है ये दर्शन बने हैं, धर्म बने हैं। तो हमको ये समझना है कि राजनीति और धर्म जो आज हमारे देश में चल रहा है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र पैदा करना है, तो उसका अर्थ यह, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवादी, जो मनुस्मृति की जो राजाशाही व्यवस्था थी, उसका जो सिस्टम था, उसी तरीके की राज व्यवस्था कायम करना है। तो एक धर्म की राज व्यवस्था कायम करना है। इसी तरीके से यहूदी धर्म के बारे में हुआ, इसी तरीके से ईसाई धर्म के बारे में हुआ। ईसाई धर्म भी पूरी तरीके से जो राजा रहे, शासक रहे, जो जिस तरीके इनकी पूरी, मैं इसमें डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि इनकी पूरी भी जो हिस्ट्री है वो सेम वैसे ही है जैसी हमारी भारतीय दर्शन के अंदर है। और साथ में ये समझना है साथियों कि ये दर्शन का भी, एक संस्कृतियों का भी मेल मिलाप हुआ। अरब देशों से तो हमारा व्यापार था, अरब देश के लोग हमारे देश में व्यापार करने आते थे, हमारे देश के लोग अरब देशों में व्यापार करने जाते थे। तो हमारे देश की जो संस्कृति है, धर्म है, सभ्यता है, राजाओं की व्यवस्था है, दर्शन है, ये सारा वहाँ जाता था, और वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ के जो व्यापारी थे वो हमारे देश में भी आते थे। तो ये सारा एक नक्शा आप देख सकते हैं, तो नक्शे के अंदर जो है पूरा एक पट्टी है जो हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो ये पूरा एक
यहाँ से सीधी जाता है और आगे जाके अरब देशों में, खाड़ी देशों में, फिर अफ्रीका में जाता और उसके आगे जाता है तो ये आपको जो रोम है, ब्रिटेन है, ये वाला हिस्सा है जहाँ ईसाई धर्म है, यरूशलम है, ये पूरा जाके आगे इससे टच होता है। तो ये जो पूरी पट्टी थी ये व्यापार के रूप में टच थी। और जैसे अपने यहाँ ब्रिटेन था, ब्रिटेन का आप देखोगे समुद्र से एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है इसी रास्ते से खाड़ी देश या इसी रास्ते से आकर के भारत देश में आ सकते। तो आपको ये समझना है साथियों कि उस समय जो जितने धर्म थे, धर्म के आधार पर राज व्यवस्थाएं थी, ये हमको मुख्य रूप से देखना कि राज व्यवस्था और धर्म मिलके थे, ये हमको समझना है। और अरबों की, अरब देश हैं जो मक्का और मदीना, जो ये सब चीज़ें बोला, जब सारे देशों को जो बोला जाता दोनों बड़े शहरों को, उनकी जो स्थिति थी उसको समझना है। वहाँ ये था कि चारों तरफ से घिरा हुआ था और यहाँ पहले से कबीले थे, कबीलों की व्यवस्था थी, अलग अलग कबीले थे, अलग अलग तरीके से थे। और इतिहास में भी मिलता है कि इनके जो ये आपदाएं थी, आपदाओं को ही ये देवता मान करके उसकी पूजा करते थे, उसको अलग अलग तरीके से, इनके मंदिर तरीके के थे, मंदिर टाइप के थे, और कबीलों के अंदर उनकी अपनी सेल्फ व्यवस्था थी। और हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म पैदा होने के पहले भी एक अलग तरीके, जैसे मुस्लिम्स के जो नाम हैं वो नाम पहले से थे वहाँ पे, उनके जो कल्चर का हिस्सा था, तो ये पहले से सारी सिचुएशन थी। मगर ये सारा जो सिस्टम था कबीलों का, ये व्यवस्थित नहीं था, बहुत सारा लूटपाट होता था, बहुत सारे आक्रमण होते। वो तो राजाओं के इतिहास मैंने आपको बता दिया, राजाओं का हर जगह यही था कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना, लड़ाई करना, हमला करना, इस तरीके की सारी व्यवस्था थी और उसी के बीच में व्यापार चलता था। ये जो देश थे, अरब देश थे, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे जो है जो व्यापार में लूट होती थी, लूट जो है जो व्यापारी निकलते थे उनकी लूट करते थे कबीले, और जो लूट करते थे उसी लूट से अपना वो अपना जीवन का संसाधन चलाते थे। तो जो लूट करने की व्यवस्था थी, इस लूट करने की एक वहाँ बिल्कुल सिस्टमैटिक व्यवस्था थी, विधिवत व्यवस्था थी, और लूट से जो आय होती थी उस आय को बिल्कुल सही माना जाता था, और सही मान के उस वो विधिवत आय जो राजाओं के पास भी होती थी, कबीलों में भी होती थी। तो इस तरीके की एक व्यवस्था थी जिससे सारे लोग परेशान थे, व्यापारी खासतौर से परेशान थे। और व्यापारियों का हालत ये था कि चारों तरफ से अराजकता थी, और जिस तरीके से दूसरे राजाओं के उसमें व्यापार करने जाते थे तो वो लोग भी टैक्स लेते थे, और रस्तों में जाते थे तो इनकी लूट भी होती थी। तो इस तरीके से ये पूरे अरब जो एरिया है उसमें आय स्थिरता थी, और जिसकी वजह से व्यापारी परेशान थे, जनता परेशान थी। और दूसरा मैंने बताया लूट पाट, फिर राजाओं को तो बताया, महिलाओं पर हमले, सब तरीके की अराजकता का एक माहौल था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ, और उनके जन्म के बाद से उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनके जो चाचा थे उन्होंने उनकी परवरिश की। अब्दुल्लद इब्ने अब्दुल, ये इनके पिता का नाम था, और इनके पिता की 569 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनकी माता का नाम अमीना था, और 576 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके जो चाचा थे उनका नाम था अबू तालिब जो चाचा थे इन्होंने इनकी परवरिश की। और अबू तालिब जो थे ये व्यापार करते थे, ऊंट थे इनके पास बहुत सारे, और एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करते थे, ऊंटों का भी से सामान ढोते थे। उस समय की जो व्यापारिक परिस्थिति उसमें ये व्यापार करते थे। इसके बाद साथियों की 25 साल की उम्र में खादीजा नाम की एक व्यापारी थी, महिला थी, जिसके साथ, वो विधवा महिला थी, उसके साथ इनने प्रेम किया और उसके साथ इन्होंने शादी की। इनके जो है 3 पुत्र थे और 4 पुत्री थीं। अब साथी इसके बाद 610 में हीरा गुफा है कोई वहाँ पे अरब देशों में, उस गुफा में जाके इन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यह कहते हैं कि इनको सपने में अल्लाह आए और उन्होंने इनको अब पैगंबर के रूप में इनको कहा,
इस्लाम धर्म के बारे में बताया कि अल्लाह ने हमें ये मैसेज भेजा है, इसलिए इनको नबी कहा गया कि अल्लाह ने इनको भेजा है इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए और इस्लाम धर्म को लागू करने के लिए। कुछ लोग कहा कि ये भी बताते हैं कि ये कोई सपने में कोई परी आई या उसने कुछ बताया कि इस तरीके से अल्लाह ने आपको भेजा है, इसी तरीके की स्टोरी है। यहाँ से फिर जो मोहम्मद पैगंबर थे उन्होंने आके अपने जो उनके लोग थे, शिष्य थे और बाकी लोग थे, उनको बताया कि मैंने जो ध्यान किया, ध्यान करने के बाद से ये मेरे को ईश्वर ने, अल्लाह ने मेरे को इस तरीके से इस्लाम की स्थापना करके इस्लाम को चलाने के बारे में कहा। और उसके फिर उन्होंने अलग से कुछ सिद्धांत बनाए, 5 पहले सिद्धांत बताए गए थे, उसके बाद से फिर बाकी और भी बीच बीच में ऐड हुए, बाद में फिर कुरान भी ऐड हुई, पूरा सिस्टम जो है उन्होंने धीरे धीरे करके बनाया। तो ये साथियों इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके ये बड़ा, फिर खलीफा बने, फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर खलीफा एक राजगुरु बने, वो पूरी व्यवस्था जो आज इस्लामिक व्यवस्था है इसका एक रूप, शुरुआती रूप उस समय बना और उस तरीके से सारे स्टेटों की स्थापना होना शुरू हुई। मुख्य रूप से 2 बातें मैं फिर कह दे रहा हूँ इसमें, जो है जो गरीबों को लेकर के था, गरीबों को लेकर के भी एक व्यवस्था बनाई। जो मोहम्मद साहब ने 5 प्रमुख शिक्षाएं शुरू में दी थी उसमें पहला था कि कलमा, कलमा जो है वो अल्लाह से, अल्लाह की शिक्षा है, अल्लाह का रूप है, एक अल्लाह को मानना है। दूसरा उसके अंदर था नमाज पढ़ना है, 5 टाइम नमाज पढ़ना है, अल्लाह को याद करना है। तीसरा था उसके अंदर रमज़ान, रमज़ान का जो महीना है, पवित्र महीना है, इसको पवित्र महीना कहा गया, इसमें उपहास करना है, अपने जो है बहुत सारी जो दुख हैं, कष्ट हैं, उससे निजात करना है, ये बहुत ही एक शांति, लड़ाई नहीं करना है। तो एक रमज़ान का जो है महीना जो होता है उसमें उपहास रखते हैं, एक रमज़ान का उन्होंने कॉल दिया। चौथा था जकात, जकात के बारे में कहा गया कि जकात एक गरीबों के लिए गरीबों के कल्याण के लिए एक फंड था, और जकात उन लोगों के ऊपर लगाया जाता था जो धनवान लोग हैं, व्यापारी हैं, जिनके पास पैसा है उनके ऊपर से जकात लगाया जाता था और उस पैसे से गरीबों का कल्याण के लिए काम होगा। तो ये एक व्यवस्था थी जिसको धर्म के साथ इसको जोड़ा गया है और कहा गया है कि गरीबों के कल्याणकारी व्यवस्था इस्लाम धर्म के अंदर है, जिसके लिए वो अलग से जकात वसूलेंगे। तरीके का ये टैक्स था, जिस टैक्स से धन इकट्ठा होता था उससे वो इस्लाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी काम जो है करते थे। और 5वां है हज, जो हज का जो स्वरूप है कि जहाँ इस्लाम पैदा हुआ, बाद में तो मोहम्मद पैगंबर का जो उनका डेथ के बाद जो मस्जिद बना उसको फिर उन्होंने सारा वो स्वरूप दिया कि वो दर्शन का मक्का जो है एक दर्शन का तीर्थ स्थल बना। उसके टाइम पे भी मक्का जो है बहुत ही एक धार्मिक केंद्र जो है उसको माना गया। तो ये हज यात्रा, ये यात्रा करना, एक यात्रा हुई थी इसके बारे में मक्का से मदीना वाला, उसी को जो है हज यात्रा एक बार करना है जो मुस्लिम है। तो ये 5 तरीके की शिक्षाएं थी जो उन्होंने उस समय जो इस्लाम के लोग थे उनके लिए बताई थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 610 में ये इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और 613 से इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और 622 में हिजरत कैलेंडर की शुरुआत की, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसकी शुरुआत 622 में मोहम्मद पैगंबर ने की। उसके बाद से 623 से ये युद्ध होना शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हुई। तो इसमें 623 में जो है बद्र की लड़ाई हुई, फिर 624 में खादिक की लड़ाई, और 623 में भी अलग अलग तरीके के कारमा बनाए गए, अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाए गए जिनको कहा गया कि आपको अलग अलग तरफ जाना है इस्लाम के प्रचार के लिए। तो ये जो अलग अलग बना, इस कारवा की शुरुआत भी 623 में की गई और 625 में उहुद की लड़ाई हुई। अब ये सारी देखेंगे कि आप ये संघर्ष, मोहम्मद पैगंबर इस युद्ध में स्वयं शामिल थे, वो खुद ही इस लड़ाइयों का इसका नेतृत्व कर रहे थे,
पूरी तरीके से राज व्यवस्था थी, पूरी तरीके से सिस्टम था जो ये मोहम्मद पैगंबर कर रहे थे। मतलब हमको समझना है कि ये धर्म के साथ जो कबीलों के अंदर युद्ध लड़ाई, जो कबीलों पे कब्जा करना, ये पूरा सिस्टमेटिक हुआ और ये मोहम्मद पैगंबर के नेतृत्व में हुआ, ये हमको ध्यान रखना है। 627 में खाई की लड़ाई हुई, 629 में मक्का पे विजय हुई। ये साथियों कुछ मैंने मुख्य मुख्य लड़ाई है जो बताई आपको, ये लड़ाई निरंतर चढ़ती रही और 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर की डेथ हो गई। अब मोहम्मद पैगंबर की डेथ हुई है, उनको बुखार हुआ, तबीयत खराब हुआ उनका। उस समय बुखार, प्लेग, इस तरीके की बीमारी बहुत होती थी और इस तरीके का बुखार हुआ कि उस बुखार में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से फिर अलग सिचुएशन बदला, फिर अलग से खलीफा कौन होगा इसका संघर्ष शुरू हुआ, वो हम आपको आगे अब इसके बारे में बताएंगे। और उसके पहले मैं इनकी जो राज व्यवस्था, इसमें जो कुछ प्रमुख चीज़ें थी, स्थितियां थी, उसको भी साथी बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा इलाका था ये शुष्क था, मतलब यहाँ पे रेतीला इलाका था जो अरब देश वाला था, और ज्वालामुखी यहाँ पे फटती थी। तो ज्वालामुखी क्योंकि यहाँ पे जो तेल पेट्रोल निकला बाद में, तो नीचे ज़मीन के अंदर बहुत सारे पदार्थ थे, इसलिए बार बार ज्वालामुखी फटती थी। इस तरीके से यहाँ पे व्यापार करने में भी काफ़ी बड़ी कठिनाई होती थी और जीवन जीने के जो संसाधन जुटाने के लिए भी काफ़ी कठिनाई होती थी। उस समय मक्का और मदीना ये दो ही प्रमुख शहर थे, और वहाँ पर भी उस समय जो इनका जीवन जीने का जो प्रमुख संसाधन था वो पशुपालन ही था। पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, और उस समय कृषि केंद्रित थी, मगर कृषि का यहाँ समस्या था क्योंकि कृषि ये पूरा रेतीला इलाका है, रेगिस्तान है, उस पूरे इलाके बड़ा इलाका रेगिस्तान है। तो यहाँ पे खेती भी शुरू हुई मगर खेती उस तरीके से नहीं हो पाई थी जिस तरीके से होना चाहिए थी उस समय में, मगर खेती की शुरुआत हुई और खेती पे भी डिपेंडेंसी बढ़ना शुरू हुई थी। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और व्यापार था। इस्लाम के पहले मैंने बताया कि ये अलग अलग तरीके से जनजातियाँ थीं और जनजातियों के अलग अलग तरीके से उनके धार्मिक जो जो समस्याएं थीं वो उनके देवता थे। पेड़, पत्थर, झरने, कुएं और पहाड़, इस तरीके की जो आपदाएं थी ये उनके, मतलब इसी में उनकी आत्मा थी ऐसे समझ लो, और इन्हीं को वो एक तरीके से देवताओं का रूप मानते थे या पूज्य मानते थे। मतलब मैं देवता बोल रहा हूँ तो देवता को देवता नहीं माना, वो कुछ और बोलते होंगे, मगर उनका भाव देवता वाला था। तो इस तरीके की सिचुएशन थी, वो अलग अलग तरीके से कबीले थे जो अलग अलग कबीलों में, अलग अलग संस्कृति से अलग अलग कबीलों में लोग रहते थे। वहाँ पर एक काबा मंदिर था जिसमें जो जनजातियाँ थीं उनके कुछ मूर्तियाँ, कुछ ऐसे चिन्ह इस तरीके से कुछ वहाँ पर रखे हुए थे। और इस समय में जो धार्मिक झगड़ा उस समय चलता था वो यहूदियों और ईसाइयों में चलता था। उस समय यहूदी धर्म जो है यमन का प्रमुख धर्म बन गया था, जैसे मैंने आपको समझाया कि राज व्यवस्था और धर्म जुड़ी हुई थी। और ईसाई धर्म जो है जो फारस खाड़ी है उसमें पूरे में ईसाई धर्म फैल रहा था। तो ये दो व्यवस्था जो है मैंने आपको पहले भी बता चुकी, इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर थी। और उस समय कुरेशी जनजातियाँ थीं जो एक प्रमुख शक्ति के रूप में थीं, और प्रमुख शक्ति जो है वो बन गई थी। ये साथियों जो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है जो कुछ राइटर्स ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताया, इस्लाम धर्म के जो जो मुस्लिम शासक थे या इस्लाम धर्म के जो लोग थे उन्होंने तो उनको अल्लाह बना दिया, अल्लाह का नबी बना दिया और धर्म के हिसाब से उनका एक रूप बनाया। उसके अलावा कुछ राइटर्स हैं जो प्रैक्टिकल तरीके से उनको जो बोलते हैं, बनाई लुइस एक राइटर हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर दो प्रमुख राजनीतिक परंपराएं जो है पैदा हुई। जो मोहम्मद पैगंबर थे वो एक राजनेता के रूप में उभरे और दूसरा मोहम्मद पैगंबर एक विद्रोही के रूप में निकले। अभी समझना है कि विद्रोही के रूप में मतलब जो उस व्यवस्था था उस व्यवस्था को एक विद्रोह करके एक नई व्यवस्था का जन्म दिया, और एक जो जो ये पूरा मूवमेंट्स था, विद्रोह था, उसके नेता मोहम्मद पैगंबर थे। और इसको ये कहा कि जो मोहम्मद पैगंबर ने जो ये विद्रोह किया ये एक महान क्रांति थी, जिस क्रांति के बाद से एक बड़ी व्यवस्था परिवर्तित हुई जिसको इस्लाम कहा गया। यह इस्लाम के नाम पे जो व्यवस्था थी वो पुरानी व्यवस्था को तोड़ करके, ख़त्म करके एक नई व्यवस्था
पैदा की मोहम्मद पैगंबर ने, और इसी इस्लाम के कारण से फिर कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए। एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण बना, सामाजिक सुरक्षा पैदा की गई। दूसरा, एक पारिवारिक संरचना पैदा की गई। परिवार कैसे होगा, एक राजनीतिक जो पूरा स्ट्रक्चर है परिवार के बारे में, राजव्यवस्था के साथ परिवार का स्वरूप कैसा होगा, उनके क्या अधिकार होंगे, इसकी संरचना बनाई गई। तीसरा जो है दास्ता, जो दास थे उसका कुछ तो दास्ता के लिए ये कहा गया कि इनको सुविधाएं देंगे, जैसे गरीबों के लिए जकात लगाया गया, मगर इसके साथ में राजाशाही जो भी व्यवस्था थी उसमें दास प्रथा, दास व्यवस्था, गरीबों का शोषण उसी तरीके से था जिस तरीके से सारी व्यवस्थाओं में था। तो यहाँ पे भी जो दास्ता का रूप था उसी तरीके से पैदा हुआ, मगर जो पुरानी जो क्रूर व्यवस्था थी उससे ये व्यवस्था थोड़ा ठीक लगी, इसलिए जो गरीब लोग थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। ये बात हमको ध्यान रखनी है। उसके साथ में साथियों महिलाओं के और बच्चों के अधिकारों के बारे में संरचना बनी, कानून बने, नियम बने, एक स्ट्रक्चर बना कि महिलाओं के क्या अधिकार होंगे, क्या उसके राइट्स होंगे, बच्चों के क्या राइट्स होंगे, परिवार कैसे होंगे, तो ये सारा स्ट्रक्चर उसके बाद बना। ये इस्लामिक धर्म का जो विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ, उसके बाद से सारी संरचना पैदा हुई। और ये जो सारी व्यवस्था हुई इसमें कहा गया कि ये अरब जो समाज था उसमें ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, बड़ा परिवर्तन हुआ, इसको बड़ा परिवर्तन कहा गया। दूसरा, जो अरब पूरा महाद्वीप है उसके अंदर से जो मोहम्मद पैगंबर के जो आदेश थे या जो उनके नियम थे, उन्होंने समाज को एक व्यवस्थित रूप में जो नैतिक आदर्श थे उनको बदल दिया। उनको बदल करके जो ये नई एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के स्वरूप को उन्होंने लोगों को बताया, समझाया धर्म के नाम से और उसको मनवाया। तो ये बड़ा परिवर्तन इस पूरे एरिया में हुआ। और जो आर्थिक सुधार थे, बाकी सब में आर्थिक सुधार जो पहला था गरीबों के लिए, वो जकात जो मैंने बताया, जकात से बहुत ही गरीबों का दिल जीता इस्लाम धर्म ने कि एक टैक्स लगाया जाएगा अमीरों के ऊपर और उससे जो पैसा आएगा उससे गरीबों के कल्याण के काम किए जाएंगे। तो एक तरीके का एक टैक्स था जिसको मोहम्मद पैगंबर ने लगवाया, जिससे जो गरीब जनता थी, आम जनता थी, वो जो है उनके साथ खड़ी हुई। तो एक आर्थिक परिवर्तन था जिसमें उनको कुछ सुविधाएं भी मिली। तो ये एक आर्थिक परिवर्तन था जिसको एक क्रांति के रूप में उस समय माना गया, इस जकात को, जिसमें वहाँ के जो गरीब वर्ग थे उसको बहुत बड़ा सहयोग मिला। और जैसे ही ये शक्ति बढ़ी, मोहम्मद का और ज़्यादा शक्ति बढ़ी, उसी तरीके से उन्होंने दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक तो जकात लगाया, दूसरा जो दूसरे राजाओं पे जो हमला करके जो धन आएगा वो धन को भी जनता में बांटना है। तो ये शुरू पूरा इसके स्ट्रक्चर बनाया जिससे एक नई तरीके की चेतना, नई तरीके की व्यवस्था लोगों के बीच में आई और जकात को उन्होंने लागू कराया। अब साथियों जैसे ही मोहम्मद पैगंबर का मृत्यु हुआ उसके बाद से फिर ये तय हुआ कि इस धर्म को कौन चलाएगा, इसका खलीफा कौन होगा, खलीफा बोला गया, खलीफा को लेकर के विवाद हुआ। तो उसमें दो तरीके के विचार सामने आए। एक तो यह है कि जो इसके परिवार के लोग हैं मोहम्मद पैगंबर के, जो उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बेटे हैं, दामाद हैं, यही खलीफा बनेंगे, परिवार के जो लोग हैं वही खलीफा बनेंगे। और दूसरा एक पक्ष था जो ये कह रहा था कि नहीं, जो भी उसका धर्मगुरु होगा परिवार के अलावा भी इसके खलीफा बन सकते हैं। तो इसी विवाद ने इस पूरे इस्लाम धर्म को दो हिस्सों में बांट दिया, सिया और सुन्नी। जिस सिया और सुन्नी को लेकर के आज भी बहुत सारे देशों में विवाद होता है और बहुत सारे संघर्ष और लड़ाइयाँ सिया और सुन्नी के बीच में होती हैं। तो इस तरीके से इस्लाम का बंटवारा दो हिस्सों में हो गया और दो तरीके की परंपराएं जो है इस्लाम में चलने लगी। तो साथियों ये था इस्लाम का एक संक्षिप्त परिचय। मुझे उम्मीद है कि इतना जो मैंने आपको बताया इससे आपको समझ में आया होगा कि इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ, इसकी राज पृष्ठभूमि क्या है। मैं इसके धार्मिक के जो अल्लाह के बारे में जो ये कहा गया, ये थ्योरी बनाई गई फिजिकली प्रैक्टिकली, जैसा हमने आपको भारतीय दर्शन के बारे में बताया कि भौतिकवादी दर्शन या जो भी विचारक रहे हैं इसी के साथ में
इसी के पहले भी भौतिकवादी दर्शन और विचारक रहे हैं जिन्होंने कहा कि ये थ्योरी जो है गलत है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई किसी तरीके की तीसरी शक्ति नहीं है, जो कुछ भी है यही दुनिया है। और इस दुनिया के हिसाब से जो भौतिकवादी जो चार द्रव्य हैं उसी से दुनिया पैदा हुई है, जो मैं आपको भारतीय दर्शन में समझा चुका हूँ। तो भौतिकवादी दर्शन की जो फिलॉसफी इसी तरीके से 19-20 कुछ है, मगर उसका बेस इसी तरीके से है, दो ही तरीके का बेस है पूरी दुनिया में, कि एक तीसरी शक्ति का इजाद है और तीसरी शक्ति इस दुनिया को चला रही, तीसरी शक्ति के नाम पर राजा राज व्यवस्था जनता को सुख सुविधाएं देने का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो हर धर्म के अंदर है। और दूसरा जो विचारधारा है वो भौतिकवादी दर्शन है जो इस कॉन्सेप्ट को नकारता है और ये कहता है कि जो यहाँ पे है, जो जो दुनिया में है, ये दिख रहा है, ये प्रकृति की निरंतर प्रक्रिया से, विकास की प्रक्रिया से सब पैदा हुआ है और इसी विकास की प्रक्रिया से ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो तीसरी शक्ति का ये है ये गलत है और ये इस तरीके से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करना या मनुष्य के समूह को पैदा करना, उसके दिमाग में एक तीसरी शक्ति का डर दिखा करके राज व्यवस्था को चलाना या उसको बहुत सारी चीजों को स्वीकार कराना, राज व्यवस्था की, संपत्ति की, धन की, बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम देखते हैं नसीब किस्मत के नाम पे हमारे देश में भी हम स्वीकार करते हैं। तो जितनी भी अराजकता थी, अव्यवस्था थी, जो कष्ट थे, दुख थे, उसको सीधा राज व्यवस्था से हटा करके अल्लाह के साथ या भगवान के साथ या ईसा मसीह के साथ जोड़ दिए, यानी तीसरी शक्ति के साथ जोड़ दिए। तो असल जो सवाल है, असल जो प्रॉब्लम्स है, उसको राजनीति से अलग कर दिया। यही पॉलिटिक्स तब से चली आ रही है और यही पॉलिटिक्स आज हो रही है, जो हम नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको समझाते हैं कि ये धर्म के, जाति के सवाल से लड़ा करके, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके असल सवालों से भटका रहे, जाति धर्म के नाम पे असल सवालों से भटका रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जो आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में भी ये कॉन्सेप्ट वापस आ गया है। और जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो पहले राजा थे, अभी जो है पूंजीपति हैं, वो जो जो सत्ता की जो ताकतें हैं, वो इसको वापस उसी तरीके से, ताकतवर तरीके से दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, जो सब जगह पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है, ये समझना है साथियों। तो ये पूरी एक व्यवस्था थी जिसको हमको समझना है, धर्म के स्वरूप को समझना है, धर्म और राज व्यवस्था के स्वरूप को समझना है। इस तरीके से साथियों इस्लाम धर्म पैदा हुआ और फिर इस्लाम धर्म की सत्ताएं दुनिया में बहुत सारे देशों में फैले, हमारे देश में भी वो आए। अब साथियों इसको हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो इस्लामिक शासकों के जो आक्रमण हुए हैं हमारे देश के अंदर, अब हम उसके बारे में साथी बात करेंगे और उससे कब कब कौन कौन इस्लामिक शासक आया, क्या उसका उद्देश्य था हमारे देश में करने का, कब कितने हमले हुए, कैसे विजय पराजय हुई, वो सारी चीज़ों के बारे में साथी बात करेंगे। तो ये पहला जो इस्लाम धर्म के बारे में जो वीडियो था, इसको हम बात यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ इसकी जानकारी आपको समझ में आएगी, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे साथियों। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि जो हमारी वीडियो है सीरीज के, जो ये हमने दर्शन की सीरीज बनाई है, इसमें बहुत सारे हमारे वीडियो है जिनको आप सुने, मनुस्मृति के वीडियो हमने बनाए उसको आप सुने, वो इस्लाम वाले जो वीडियो है ये बना रहे इसको आगे के जो वीडियो वो भी सुने और पीछे के वीडियो भी सुने। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इसको करेंगे और साथ में शेयर करवाने में सहयोग करें। तो हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।